सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ऑनेस्ट ओपिनियन के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सो आज हम बात करेंगे जियो सिनेमा पर राधिका मंदान स्टारर मूवी कच्चे नींबू के बारे में। आज यानी कि 19 मई को जियो सिनेमा पे फ्री में रिलीज कर दी गई है। शुभम जोगी द्वारा डायरेक्ट की गई इस मूवी में आपको राधिका मंदान, आयुष मेहरा और रजत मेन कास्ट में दिख जाएंगे और ये मूवी 1 घंटा 45 मिनट की है, जो कि आपका ज़्यादा समय नहीं लेगी। सो अगर मूवी की कहानी की बात करें तो ये मूवी मुंबई की सोसाइटी में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर बेस्ड है। राधिका मंदान अदिति का करेक्टर निभा रही है और वो अपने भाई आकाश के साथ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उसका जो भाई है आकाश वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना चाहता है। सो राधिका मंदान जो कि अदिति का करेक्टर निभा रही है इस मूवी में, उसका भाई जो कि आकाश अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं लेकिन आकाश यहाँ पे इंडियन क्रिकेट में खेलना चाहता है। उसके घर वाले उसको एक पक्की नौकरी के लिए प्रेशर कर रहे हैं कि तुम एक पक्की नौकरी करो, और वहीं अदिति जो कि अपने फैमिली की ही मर्जी से, मम्मी की मर्जी से भरतनाट्यम और पापा की मर्जी से मेडिकल करना चाहती है और दोस्तों की एडवाइस के मुताबिक वो फैशन डिजाइनिंग करना चाहती है, लेकिन अपने तरीके से वो कुछ भी नहीं कर पा रही। वहाँ पे अदिति का भाई अंडर आर्म क्रिकेट नेशनल लीग में खेलना चाहता है और इस फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है कि अदिति को भी क्रिकेट के इस मैदान में उतरना पड़ता है। और इसी बीच में उनकी सोसाइटी में एक अंडर आर्म टूर्नामेंट होता है जिसमें भाई बहन अपने आमने सामने यहाँ पे आ जाते हैं। कास्ट की बात करें तो राधिका मंदान और उसके पापा की एक्टिंग मुझे सबसे अच्छी लगी और बाकियों की एक्टिंग मुझे एक एवरेज लगी। इसी बनी है फिल्म। अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म पहले टोरंटो फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है और अभी इसको जियो सिनेमा पे रिलीज किया गया है। डायरेक्टर शुभम जोगी ने एक दिलचस्प, एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म बनाने की कोशिश की गई है जो आपको थोड़ी कमजोर फील होगी। बाकी मूवी का टॉपिक थोड़ा हटके है जो कि क्रिकेट प्रेमियों को पसंद आता है। अगर इस हफ्ते आपके पास कुछ भी देखने को नहीं है तो आप इस मूवी को देख सकते हो, लेकिन आप इसको आराम से स्किप भी कर सकते हो। मेरी रेटिंग रहेगी 4.5 out of 10। सो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं एक और नए मूवी ओपिनियन के साथ। धन्यवाद।